Audio Jungle. कॉलोनाइजरों द्वारा लगातार राजस्व की चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार का जहां लाखों रुपए की राजस्व की चोरी की जा रही है, इन्हीं राजस्व की कार्रवाई के चलते हुए बेटमा तहसीलदार विवेक पाठक और उनकी टीम द्वारा लाखों रुपए की राजस्व की चोरी करते हुए कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई की गई है। ग्राम मोहता बेटमा खुर्द साथी प्रीमियम ग्लोबल रियलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तरफे सुदर्शन तथा फेमस विलास मंडी में लाखों रुपए की राजस्व की चोरी करते हुए कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर तीनों कॉलोनियों से टोटल राशि 33 लाख रुपए समथिंग सरकार को राजस्व की चोरी करते हुए पाया गया। उक्त कार्रवाई के चलते हुए कॉलोनियों के कुर्की के आदेश तहसीलदार की टीम द्वारा जारी कर कार्रवाई की गई। KNN के लिए देपालपुर से बलराम देसाई की रिपोर्ट। यहाँ की जो डाइवर्सन वसूली की कार्रवाई चल रही है, आज दिनांक को ग्राम मोहना में अपने TDS इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के तरफ डायरेक्टर तरनजीत सिंह पिता धर्म सिंह होरा, खसरा क्रमांक 176/1 की भूमि का कुर्की की कार्रवाई की। इसी प्रकार उसी से लगी हुई बेटमा खुर्दी की जमीन जिसका खसरा नंबर 261/2 और 260 अन्य है, वो भी तरनजीत सिंह पिता धर्म सिंह होरा की है। इनमें बकाया की राशि 17,49,000 समथिंग और मोना में 16,14,318 मतलब लगभग 33 लाख रुपए की संबंध में हमने इनको पूर्व से तीन नोटिस दे चुके हैं। इसके बाद भी ये ना तो रिस्पांस कर रहे हैं और ना यहाँ आ रहे हैं, कोई पैसा नहीं जमा कर रहे थे, इसलिए कुर्की की कार्रवाई करी गई है। सर आपका नाम? विनोद पाठक।